हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मंगस के 4 मोर ट्रिक्स जो आपको प्रो प्लेयर बना देंगे। और 4 मैप्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 मैप्स हैं और 4 ट्रिक्स हैं, तो हर मैप की एक एक ट्रिक होगी। चलते हैं 10 स्केल्ड की ट्रिक पे। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज, फर्स्ट ट्रिक है स्केल्ड की, कि अगर आपको कोई गेम के शुरू में ही ये अपलोड डेटा वाला टास्क करते हुए दिखता है, जैसे समझ लो ब्लू कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो इम्पोस्टर है। या वो इम्पोस्टर नहीं भी है तो मतलब वो फेक टास्क तो कर ही रहा है। क्योंकि देखो, पहले हमें डेटा अपलोड करना होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 3rd नंबर पे डाउनलोड डेटा है। तो जब मैं वो करूँगा तभी मेरे पास अपलोड डेटा का ऑप्शन आएगा, और ऐसे सीधा नहीं आता गेम के शुरू में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइस, नेक्स्ट ट्रिक है जो कि है पोलस की। तो जो सेकंड ट्रिक है वो है कि आपको यहाँ पे खड़े हो जाना जब आपके टास्क खत्म हैं। फिर इम्पोस्टर अगर इस वेंट से वेंट करके निकलेगा ना, तो आप देख लोगे, और इमरजेंसी मीटिंग यहीं पे, रूम यहीं पे आप मीटिंग फटाफट बुला सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जो कि है मिराज क्यू की। तो गाइस, जो जिनका प्रो प्लेयर बनने का कोर्स चल रहा होता है वो मतलब वेंट लेआउट याद करते हैं। वेंट लेआउट होता है कि जैसे मान लो कि मैं इस वेंट में घुसा और मैं किसी और वेंट से निकला, मतलब मैप्स अमंगस के मैप्स में ऐसा होता है कि एक वेंट कहीं लिमिटेड जगह ही जा सकता है, तो आपको जगह याद करनी होती है और वो ज़रूरी भी होती है। कमेंट्स में बताओ अगर मैं इस पर डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊँ। अच्छा, और मिराज क्यू की ट्रिक है कि आपको मिराज क्यू का वेंट लेआउट याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका एक वेंट ना हर एक वेंट से जुड़ा होता है। देख लो, ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब मिराज क्यू के अलावा सभी की लिमिटेड वो होती हैं। लेकिन ये देखो भाई, हमें मैप में जहाँ से निकलना हम निकल सकते। देखो, जहाँ से शुरू किया था वापस वहाँ पर आ गया। चलो बढ़ते हैं एयरशिप मैप की ट्रिक की तरफ। गाइस, जब 4 बंदे बचते हैं ना, तो किल करने में दिक्कत होती है। 4 बंदों में अगर एक ही इम्पोस्टर होता है तो हमें 2 किल करने होते हैं जीतने के लिए। तो ना इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों पेयर पेयर में घूमते हैं, दो लोग एक साथ। तो अगर किल करते हैं और एक बंदा गायब हो जाता है, तो बाकी 2 समझ जाते हैं कि इसी ने मारा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, जैसे अगर एक बंदा यहाँ पर, बाकी 2 बंदे उस साइड हैं, तो आपको एक बंदे को यहाँ पे इस साइड पे किल, जहाँ पे मतलब इस सीढ़ियों के नीचे किल कर देना है। और ये ध्यान रखना है, जो ये है ना, ये चीज़ लिफ्ट सी, ये इस साइड होनी चाहिए। फिर वो देख के ना ऐसे पागल से हो जाएंगे, फिर घूम के आएंगे। जब तक वो घूम के आएंगे तब तक आपका किल कूल डाउन ख़त्म हो चुका होगा और आप उन्हें किल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, आपको ये ध्यान रखना है, एक तो कि ये जो लिफ्ट है उस साइड पे ना हो, क्योंकि वो इससे बहुत जल्दी आ जाएंगे आपका कूल डाउन ख़त्म होने से पहले। और एक और ट्रिक है, हाँ तो गाइज, एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, कि आपको राइट साइड पे सेम हरकत नहीं करनी, क्योंकि वो यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के इमरजेंसी मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, चलो गाइज, यही था आज के सोशल मीडिया में। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।